भारत में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो शर्मसार ना हुआ हो। समय समय पर ऐसे अपराध सामने आते रहे हैं जो मानवता पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। देश में तरह तरह की अपराध की घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अटपटा या हटके है। दरअसल पूरा मामला महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से है, जहां चार लोगों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए एक छिपकली को अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल मॉनिटर छिपकली से कथित तौर पर रेप करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से छिपकली से गैंगरेप का वीडियो भी बरामद हुआ है। वन अधिकारी के मुताबिक ये घटना रत्नागिरी जिले के गोठाड़े गांव में हुई। मामला रिजर्व के तहत आने वाले चंदौली राष्ट्रीय उद्यान में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सामने आया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 31 मार्च को जंगल में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ये मामला सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की पहचान संदीप तुकाराम पवार, मंगेश कामटेकर, अक्षय कामटेकर और रमेश घक के रूप में हुई है। चारों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि बंगाल मॉनिटर एक बड़े आकार की छिपकली होती है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।